यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों और करीबियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने उनके दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों और करीबियों पर फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी आज दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर दबिश दे रही है। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर छापेमारी की गई। ईडी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी, विक्रम अग्रही, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस के मालिक के यहाँ भी छापे मारे। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी ने अंसारी पर 1 जुलाई 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। आरोप है कि मुख्तार ने एक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया और फिर उसे 7 साल के लिए 1,07,00,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से एक प्राइवेट कंपनी को किराए पर दे दिया। इस कंपनी से मुख्तार के भाइयों और बेटे का भी संबंध होने का आरोप लगा है। ईडी ने इस मामले में मुख्तार अंसारी, उनके भाई सांसद अफजल अंसारी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है। ईडी ने ज्यादातर मामलों में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को आधार बनाते हुए केस दर्ज किया है। इस मामले में इससे पहले 9 मई को सांसद अफजल अंसारी को पूछताछ के लिए तलब किया जा चुका है।